सब्सक्राइब कीजिए टेक ज्ञान क्लब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए कुछ नया और इंटरेस्टिंग लेके आया हूँ। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसा ऐप लेके आया हूँ जो आप लोगों के स्मार्टफोन के कीबोर्ड को एकदम बिल्कुल चेंज कर देगा, बिल्कुल एडवांस कर देगा। जी हाँ दोस्तों, आपके स्मार्टफोन के कीबोर्ड में छुपी है ये ट्रिक, बट आपने इससे पहले कभी यूज़ नहीं की होगी। तो मैं इसी ट्रिक को आप लोगों के साथ शेयर करने आया हूँ, इस चीज़ को बताने आया हूँ कि कैसे आप अपने स्मार्टफोन के कीबोर्ड को एडवांस करें। आपने जैसे कि आपने देखा होगा दोस्तों, आप सभी के मोबाइल में बहुत सारे ऐप होते हैं, बहुत सारे कॉन्टैक्ट होते हैं जिसमें सर्च करना, जिनमें उन्हें ढूंढना थोड़ा टाइम लग जाता है, उन्हें ढूंढने में थोड़ा परेशानी होती है। इसी चीज़ को बहुत ही सिंपल करना, बहुत ही ईजी करने के लिए मैं एक ऐप बताने जा रहा हूँ जिससे आप इसे बहुत ही सिंपल कर सकते हैं। बस 1 सेकंड में आप इसे तुरंत झट से ढूंढ सकते हैं। बस एक अल्फ़ाबेट टाइप करेंगे, आपके सामने आपका रिज़ल्ट सामने होगा। तो आइए जान लेते हैं वो ट्रिक क्या है, वो ऐप्स क्या है, कैसे आप अपने अपने गूगल बिल्ट कीबोर्ड को कैसे एडवांस करें, आइए जान लेते हैं। इस वीडियो के साथ बने रहें। मेरा नाम नजरुद्दीन अहमद है, आप देख रहे हैं टेक ज्ञान क्लब। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया दोस्तों आप लोगों के बारे में, एक ऐप के बारे में जो आप लोगों के एडवांस, आप लोगों के कीबोर्ड को एक बिल्कुल एडवांस कर देगा, नया एकदम कर देगा, बहुत सारे फीचर ऐड कर देगा। दोस्तों आप लोगों के ऑलरेडी आप लोगों के फ़ोन में एक गूगल का बिल्ट इन कीबोर्ड दिया होता है जिसमें हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज तो होता ही है और रीजनल लैंग्वेज भी उसमें दिए होते हैं। दोस्तों उसमें स्वाइप और वॉइस कमांड के द्वारा टाइपिंग किया जा सकता है, बट इसी टाइपिंग एक्सपीरियंस को एडवांस कर इसी टाइपिंग एक्सपीरियंस को और भी बेहतर करने के लिए मैं एक ऐप बताने जा रहा हूँ जो आपके फ़ोन के कीबोर्ड को पूरा का पूरा बदल के रख देगा। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत सारे फीचर है लेकिन मैं अभी आज आपको इस ऐप से आपको टाइपिंग एक्सपीरियंस को और बेहतर करने का तरीका ही सिर्फ अभी बताने वाला हूँ। तो चलिए जान लेते हैं दोस्तों कि इस ऐप को डाउनलोड कैसे करना है और फ़ोन पर यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले दोस्तों आपको प्ले स्टोर पर जाना है, उसके बाद वहाँ पे सर्च बॉक्स में आपको लॉन्च बोर्ड टाइप करना है। लॉन्च बोर्ड टाइप करने के बाद आपको जो पहला ऐप दिखेगा आप उसको इंस्टॉल करना है, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। उसके बाद डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल हो जाएगा, जब आप उसे ओपन करेंगे, ओपन जैसे ही करेंगे तो आपको उस ऐप के अंदर इंस्ट्रक्शन दिखाया जाएगा कि आपको किस तरह ऐप को यूज़ करना है। यूज़ करने के सारे इंस्ट्रक्शन आपको दिखाए जाएंगे। उसके बाद अगर आप इंस्ट्रक्शन को समझ पाते हैं, ठीक है, नहीं समझ पाते तो मैं आपको दिखा दूंगा। उसके बाद आपको इस इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है, उसमें बहुत ही इजी सिंपल है, कुछ ऐसा हार्ड करना नहीं है, कोई रजिस्टर वगैरह कुछ करना नहीं है, बस आप सिर्फ इंस्टॉल हो गया, आपका ऐप जो है रेडी है, बस आप यूज़ कर सकते हैं। उसके इंस्टॉल होने के बाद दोस्तों वो इंस्टॉल आइकन आपके विजेट में दिखने लगेगा, आप उससे ड्रैग करके खींच कर ला के अपने होम स्क्रीन पर छोड़ देंगे तो वो आपके होम स्क्रीन पर वो कीबोर्ड सेट हो जाएगा, पूरे फ़ोन पर आपका एक्टिव हो जाएगा। आप जब कुछ भी टाइप करेंगे उस पर तो वो पूरा का पूरा फ़ोन पे जो भी है आपको कॉन्टैक्ट और ऐप पूरा का पूरा सर्च करके पूरा डिस्प्ले पे शो करने लगेगा। और अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि सब का सब एक बार में सर्च ना हो, मैं सिर्फ और सिर्फ ऐप सर्च करना चाहता हूँ, तो आप उसके सेटिंग में जाएं और सेटिंग में जाने के बाद, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, सेटिंग में जाने के बाद आप तीन ऑप्शन में से कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। आपको तीनों ऑप्शन ऑप्शन दिखाई दे रहा है। पहला ऑप्शन कि आप ओनली ऐप को चूज़ कर सकते हैं, या तो ओनली कॉन्टैक्ट को, या तो कॉन्टैक्ट और ऐप दोनों को। अगर आप ओनली ऐप को सेलेक्ट करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ऐप आपका सर्च होकर शो होगा, और अगर कॉन्टैक्ट सिर्फ रखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ कॉन्टैक्ट आपका शो होगा, और अगर दोनों रखेंगे तो आपका कॉन्टैक्ट प्लस, कॉन्टैक्ट मतलब कॉन्टैक्ट नंबर, आपका जो सेव है जितना भी मोबाइल नंबर वो कॉन्टैक्ट नंबर और प्लस आपका ऐप, सारा का सारा दोनों का दोनों जो भी उस नाम का पहला अल्फाबेट से मैच करेगा वो आपके डिस्प्ले पे शो हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा ऐप है दोस्तों, बहुत ही स्मूथली आप ये काम करता है, इसमें कोई रजिस्टर वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं। आप इसे यूज़ करके देखिए, अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं अच्छा लगता है तो फिर कोई बात नहीं। अगर अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, अच्छा लगता है तो अच्छी बात है, लाइक कीजिए। तो इस ऐप का नाम है दोस्तों लॉन्च बोर्ड। लॉन्च बोर्ड ऐप जो है आपको प्ले स्टोर में बिल्कुल फ्री इजीली मिल जाएगा, आप उसे सर्च बार में टाइप करेंगे लॉन्च बोर्ड, ये आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों ये 9 MB का, लगभग 9 MB का है, आप इसे बहुत ही कम स्पेस में अपने फ़ोन में डाउनलोड किया जा सकता है, इसे इंस्टॉल किया जा सकता है। दोस्तों इसका लगभग 10,000 बार डाउनलोड किया गया है
और प्ले स्टोर में रेटिंग स्टार 5 में से 4.7 है। तो आप इसे समझ सकते हैं इसके कितना हाईली रिकमेंडेड एंड्रॉयड ऐप है दोस्तों। आप इसे यूज़ कीजिए, देखिए करके। मैंने यूज़ किया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा दोस्तों। ये आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल साबित होगा, बहुत ही अच्छा आपके लिए साबित होगा। इसलिए आप इसे डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए और इसे आप यूज़ करके देखिए आपको कैसा लगता है, ये मुझे कमेंट करके बताइए। अगर ऐसे ही और सारे वीडियो चाहते हैं, मुझसे बहुत सारे नए नए वीडियोस देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल से जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद मेरे इस वीडियो को देखने।